हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी देखिए बहुत सुबह है, अभी सुबह के 7 बज गए हैं। सो मैं अभी जा रही हूँ चाय बनाने, चाय बना रही हूँ, साथ साथ मुझे छोले भी बनाने हैं जो रात को मैंने भिगो के रखे थे। तो देखिए इतना ही छोला बनाना है, थोड़ा सा लंच में भी जाएगा, ये ब्रेकफास्ट के लिए भी है। देखिए मैंने इसे उबलने के लिए दे दिया है, पानी में डाल दिया है धो के। और अब देखिए इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हल्दी और तेल भी डाल देंगे ताकि ये बाहर ना आए। तेल डालने, एक बूंद तेल डालना है ताकि ये बाहर ना आए। देखिए मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है, तब जब तक ये 3 सीटी में मेरा उबल जाएगा, सीज जाएगा, तब तक मैं प्याज काट लेती हूँ। मैंने चाय बनाया था जिस जो दे दिया अभी सबको पीने के लिए, सुबह में सब चाय पीते मेरे यहाँ पे। तो देखिए मैंने प्याज कम से कम 250 प्याज लिया है मैंने, 250 ग्राम। इसको देखिए मैं जल्दी जल्दी काट रही हूँ। मेरा अभी छोला तैयार हो चुका है उबलने के बाद। ये देखिए 1 सीटी और लगेगा, बस मैं जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि अभी लंच में भी देना है बच्चे लोग को। ये देखिए 1 सीटी का तैयार हो चुका है। अब देखिए मैं स्पीड से इसे, तब तक एक साइड में मैं कढ़ाई में लेके इसे भूंजूंगी, ऐसे प्याज को मिर्च को। और ज़्यादा सामान नहीं लगेगा वैसे डालने के लिए, तो बहुत चीज़ इसमें डालते हैं छोले में, लेकिन मैंने बहुत कम सामान में बनाया है। तो देखिए मिर्च का फ़ौरन डाला, जीरा, तेज़पत्ता, और उसके बाद प्याज डाल दिया है। अभी देखिए प्याज को भूंज लेते हैं जल्दी जल्दी, जब तक गले ना तब तक भून लेते हैं। अभी देखिए इसमें नमक डाल देना है, याद से नमक थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि कुकर में हम लोग नमक डाले हैं ताकि वो जल्दी सीज जाए। और ये देखिए हल्दी डाल के मैंने भूज लिया है। अभी देखिए इसमें मसाला, आधी लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है। और ये देखिए इसे जब तक लाल ना हो तब तक इसे भूनना है। इसमें चना मसाला MDH का आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें स्वाद और सुगंध दोनों आता है। सो देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा मीट मसाला थोड़ा सा एकदम दिया है ताकि इससे महके, अच्छा लगता है छोला जब महकता है। तो देखिए प्याज को मैंने पूरा एकदम लाल करके भूंजा है, इसमें हल्का सा मिर्च गुंडी भी डाल सकते हैं। और इसमें देखिए अभी जो मैंने उबाला था चना को, सो देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। और इसे हम लोग अभी 5 मिनट के लिए गैस पर छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए 5 मिनट के बाद हम लोग तैयार है। इसमें हल्का सा गर्म मसाला डाल दीजिए। और ये देखिए इसे थोड़ा देर के लिए और झाँक के उबलने दें, जिसके बाद हम लोग का छोला तैयार है। ये बहुत स्वाद में बहुत टेस्टी लगता है गाइस। ज़्यादा इसमें सामान कुछ मैंने यूज़ नहीं किया है। देखिए थोड़ा सा मेरी छोला रेडी है, पूरी और छोला सर्व कीजिए गर्मा गर्म। ये देखिए बहुत ही अच्छा एकदम टेस्टी बना हुआ था हम लोग के घर पर, ये देखिए एकदम होटल जैसा बना था। सो एंजॉय करिए गाइस, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।